केसिस जिस हिसाब से बढ़ा देना है इसी दिखते हुए सरकार ने हूँ प्रॉपर लॉकडाउन जोड़ा है वह लाई ओड़े 3 मई तक जम्मू कश्मीर की 11 डिस्ट्रिक्ट जड़िया ने वो बंद रहनगियां। वेट बंदा सोचता 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 1.5 घंटा वेट जोड़ा वो करवाया उस मरीज की जिसकी सह लैने की इन्नी दिक्कत आ दी ही। अपने प्यो की दिखते दिखते कि कालिया पवा रही होनी उस वे मुड़ा के जड़ा है वो समझ ही सकता टाइम उपर उस शख्स जो कि नहीं रहे साढ़े बिच उनके दिमाग च के चला दा होना कि मैं अस्पताल तक पुजी हाँ ना और बाद चू मिगी डॉक्टर जड़ा उन्हें बचाई लेना एक बार मी दिखी लैगे मी एडमिट करी ओड़गे या मिगी ऑक्सीजन जड़ी प्रोवाइड होई जाएगी तो मैं जड़ा ठीक हो ही आना। पर उत्थे पुजने के बाद चू जल्ले बंदा यह दिखता कि यार मी तो कोई पुछा दा गया नहीं है मेरे वाल तो कोई तवज्जो गया नहीं दिया दा है मैं जिथे सारी उम्र देई ओड़ी वो तो मिगी कख समझा दे गया नहीं है 1.5 घंटा होई गया मिगी इतने डीकते डीकते आस्ता आस्ता बंदे दा हौसला जड़ा वो खत्म होने लगी पौंदा। ते आऊं आ प्रज्ञा स्लोत्रा ते तो सारे दिखा रहे हो सीधी लकीर। फेसबुक उपर एक वीडियो बड़ी वायरल हो आ रही है। वीडियो है साढ़े गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज बख्श नगर अस्पताल की और अस्पताल के अंदर एक मुड़ा जड़ा कि रोआ दा और तुसे सारे लोगों के अगे कुछ अपील करा दा रोआ दा वो तां क्योंकि इन्हें अपना प्यो जड़ा वो खोई ओड़िया उंदे पिता जी जड़े वो पूरे होइए एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह कन्नै दुखड़ा उन्हें अपना सारा सुनाया उस मुड़े ने उन्हें यह आख्या कि मेरा प्यो जड़ा हा वो कोविड पॉजिटिव ही 8 दिन जड़ा वो अहें घर गए उनका इलाज जड़ा वो करते रहे और बाद जिस वेले उन्हें सह लैने की मती दिक्कत होन लगी पई तो असें सोचा कि रिस्क कैली लैना अस अस्पताल चली जाने जिस वेले सी डी हॉस्पिटल उत्थे पुजे तो सी डी हॉस्पिटल उत्थे एक डॉक्टरैनी ही जड़ी उन्हें खाली इो आखिया कि वेट करो उन्हें उस मुड़े ने आख्या कि मेरे प्यो की सह लैने की बड़ी दिक्कत आ रही तुम इन्हें ऑक्सीजन दो तो मैं फॉरमैलिटियाँ जड़ियाँ पूरी करी ओड़ना पर उस डॉक्टरानी ने इो आख्या कि वेट करो वेट करते 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 1.5 घंटा वेट हो और बाद चू उस डॉक्टरानी ने उन्हें रैफर करी ओड़िया गलबात करिए दुए डॉक्टर कने कि तुम बख्श नगर अस्पताल जड़ा वो चली जाओ। उस मुड़े बेचारा अपने प्यो की चुकया ले आया उसे बख्शनगर अस्पताल आया पहले तो धुप्पे किन्नी चेर खलोते रहे और बाद चू जड़ा है वो उपर जल्ले डॉक्टर को आपे गै लेइए गया अपने प्यो की तो उत्थे जाइए डॉक्टर ने जिस वेले 2-3 बारी इनकी छाती पंप मारिया हथ मारिया तो उन्हें बाद चू डिकलेयर करी ओड़िया कि इन्हें महाराज हार्ट अटैक होई है ये पूरे होई देना है। तुस आपे सोचो किस टाइम च गए 2 घंटे जगे के किश हो सोची आया हा वह भी मैं तुसें दसनी हाँ कि उस मुड़े ने उस वीडियो च ये आख्या कि मेरा प्यो जड़ा एकदम ठीक ठाक ही वो बाथरूम भी आपे जा रहे रुटी भी खा दे सवेरे भी वो सब ठीक है रोटी खाइए मेरे कन्ने आए और रस्ते च मिगी दिलासा दे रहे कि पुत्र तू टेंशन नहीं लै मैं एकदम ठीक हाँ तेरा प्यो जड़ा वो बड़ा स्ट्रोंग है इसी कख नहीं होना है मी कख नहीं होना है मैं ठीक हो ही आना मैं घर आई आना वापस और दिखने की उसी के थोया कि प्यो च विल पावर तो यही जिसकी सह लैने से भी इन्नी तकलीफ हो रही लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्नी लापरवाही करी ओड़ी उस डॉक्टरानी ने इन्नी लापरवाही की हालांकि मुड़े ने यह भी सुनाया कि मैं उस डॉक्टरानी की भी आख्या कि मेरे माँ मेरे प्यो इन दोनों पूरी उम्र जी अपनी मैडिकल फील्ड च दे ओड़ी लोगों की सेवा करते करते अज उन्हें जिस वेले इन्नी लोड़ पवा रही तो इन्ना चेर की लगा दा 1.5 घंटा मतलब कोविड की बीमारी जी है कि सह लैने की बड़ी दिक्कत आ रही जिन लोगों की उन्हें मरीजें की तुरंत अहें ऑक्सीजन जड़ी वो देने की कोशिश कर रहे होंने ताकि मरीज जड़ा वो बचिए क्योंकि जान जड़ी है वो हर कुसे की बड़ी कीमती होंगी है तो उसी जिथे ऑक्सीजन मिलनी चाहिए ही तौले को तौले उसी उत्थे के मिलिया कि डीको वेट करो वेट करते करते 1.5 घंटा होइया उस बेचारे की और बख्शनगर अस्पताल उन्हें की के दिखने की थोड़ा कि प्यो जड़ा वो मेरे कन्ने रहे जड़ा मेरे कन्ने गल्ला करता करते आ रहा अज और रहा गया नहीं है वो पूरे होई दे तो मुड़ा इन्ना रोआ रहा बिलका रहा और सारे लोगों के अगे इो अपील करा रहा कि इस बीमारी की नॉन सीरियसली नहीं लाओ ये बीमारी जी है बड़ी हद तक फैली दी है और तुसें सारे लोगों भी पता होना कि 2000 को मते लोग जड़े ने वह साढ़े जम्मू कश्मीर के पूरे हो ही चुके दिन है और हर 24 घंटे से सूँ ये दिखने की थोड़ा है कि 20-25 लोग पूरे होवा देना और जो मैं कल की गल सुना तो मंगलवार की साढ़े जम्मू कश्मीर 3000 को ज़्यादा केस जड़े ने वो दिखने की थोए ने 1 दिन च गै 3000 को भी ज़्यादा लोग जड़े ने वो कोविड-19 का शिकार होवा देना है। ये पिछे कौन है ये पिछे के वजह है कि लोगों की कोविड-19 जड़ा वो कलावा मारा दा कैली उन्हें चमका दा ये पिछे अस गए हैं वजह अस गए हैं अस लोगों आपे लापरवाही कराने करिए अस इस बीमारी का शिकार जड़ा वो आ देना
TSL ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕਨੇ ਵੀ ਮਿਲਾਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲਾਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀ ਪੁੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੋਵੋ ਟਿਕਾਈ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਸ ਰੂਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਕਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿਖਣੇ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਹੈ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵੀ ਲਈਏ ਟੁਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੋਵੋ, ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਲਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਖੋੜਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਰਹਾ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਉੜੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਸੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਖੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਬਖੂਬੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਆਹੇ ਆਖਦੇ ਕਿ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਡਾਕਟਰਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਸ ਡੇਢ ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕਨੇ ਬੈਠੀ ਕੁਤੇ ਗੱਪ ਕੇ ਲਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਆਈ ਉੜਿਆ, ਤੋਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਆਈ ਉੜਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ LG ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਠਾਏ ਔਰ ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਇਹ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਗੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ।